नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया के खिलाफ दिल्ली और देहरादून में कई दिनों से मुकदमा दर्ज है। ऐसे में बॉबी कटारिया को पकड़ने गई उत्तराखंड पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लग पाया है। बॉबी कटारिया काफ़ी समय से फरार चल रहा है। इसी के चलते बॉबी कटारिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि सड़क पर ट्रैफिक रुकवाकर शराब पीने, स्टंट दिखाने और पुलिस को धमकाने के आरोपित बॉबी कटारिया का कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी कर दिया है। वारंट उसके घर पर चस्पा करने के लिए कैंट कोतवाली से पुलिस की टीम भी रवाना हो गई है, लेकिन बॉबी कटारिया के अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अगर बॉबी कटारिया अब भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो उस एक महीने के बाद कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस मामले में कैंट के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि बॉबी कटारिया काफ़ी दिनों से फरार है। कई दबिश देने के बावजूद भी वो हत्थे नहीं चढ़ा, जिसके कारण शनिवार को कोर्ट ने उसके कुर्की के लिए वारंट जारी कर दिए हैं। दरअसल बीते 10 अगस्त को बॉबी कटारिया की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो कैंट कोतवाली के किमाड़ी क्षेत्र में सड़क पर ट्रैफिक रुकवाकर शराब पीता दिख रहा था। इस मामले में डीजीपी के आदेश पर 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद कटारिया ने इंटरनेट मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस को धमकी भी दी थी। इस मामले में उसे कई बार बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पुलिस ने नोटिस भेजा पर बॉबी कटारिया बयान देने नहीं आया। इसके बाद दून पुलिस ने कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया और उसके गुरुग्राम स्थित घर पर दबिश की, लेकिन उसका तब भी कुछ पता नहीं चल सका। और अब उसके खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के लिए वारंट जारी कर दिया है, जिसके तहत आगे की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।